मैं बचपन में हिलाता था, मम्मी रोटी बनाती थी, मैं हिलाता था बैठ के। हाँ हिलाता था। फट तू फट क्या दारू की बोतल। तो गाइस हमें एक साल हो गया और देखिए अभी पापा अभी भी ऐसे लेटे हुए हैं। कहना चूदन माँ का चूदन, ये भगवान ये मंचूरियन बनवा दे बस। मैं सोच रहा हूँ आज मंचूरियन मैं बनाऊँ, क्या चाहिए? क्या बात है रे, क्या बात है रे। गाइस ये देखिए बादाम, आपने देखे नहीं होंगे। कौन चिल्ला रहा है गाइस? ये पानी पानी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी ठीक हूँ। और आज देखिए हमारे घर में पापा तो हमेशा ऐसे ही लेटे हुए दिखते हैं, फिर कहते हैं मेरी वीडियो मत लिया कर। अरे मम्मी भी लेटी हुई दिख रही। मम्मी तो लेटी हुई, चलो किसी कारण से दिख रही है। गोयल फर्नीचर। मम्मी तो फर्नीचर का देखी, कहती सोफा लेना है, सोफा लेना है। तो मधु अभी यहाँ बर्तन धो दिए आराम से, और आज मधु बनाएगी। ये क्या है मधु, क्या बनाएगी आज? मंचूरियन। बस आज ये बनाएगी मंचूरियन। पापा क्या करते थे आप फोन में, पहले मुझे ये बताओ, दिखाना एक बार। कुछ नहीं है। अभी अभी मुझे कहता है तू लूडो खेलना जानता है, वो ना लूडो में पैसे मिलेंगे, लूडो खेलना जानता है। अरे ये छोटे छोटे जो है ना तुम्हारे, कहते लूडो खेलते लूडो में पैसे मिलेंगे, तो ये बता दो पैसे कैसे डालने हैं इसमें। कही है ना, जो अकाउंट में पड़े वो भी निकल जाए उसी में। तो गाइस मैं गया था मार्केट, मार्केट से सामान लेके आया हूँ, ये मधु ने मंगाया था। अभी देखते हैं क्या है इसमें पूरा। एक ये प्याज के पत्ते, उसने कहा गुच्छी मिलेगी, कल्ले प्याज के पत्ते नहीं मिलेंगे। और एक पत्ता गोभी ले आए। अब अपना बन जाएगा मंचूरियन, बन जाए ना चूदन। कहना चूदन माँ का चूदन। तुम्हारी माँ का क्या, हमारी माँ का? मैं माँ का चूदन बना रही आज मंचूरियन। तो मैं थोड़ी देर में कपड़े कपड़े भी चेंज कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम ये व्लॉग बनाते हैं अपना पूरा। कैसे ये मधु ने कटिंग स्टार्ट कर दी, वो देखिए क्या स्पीड में काटेगी। जब तक मेरे को लग रहा है मैं दोबारा आऊँगा ना, बना के हट भी जाएगी। हाँ नहीं मैं काट के रख देती हूँ, तो काट के रख ले। पत्ता गोभी देखो, तीन प्याज, ये तीन शिमला मिर्च, एक पत्ता गोभी और, अच्छा एक और आधी, डेढ़ पत्ता गोभी, प्याज के पत्ते और अदरक, भाई इतना ही चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमने आज थोड़े बनाने थे अपने लिए, क्योंकि मम्मी को तो हमने देना नहीं। ओ माय गॉड, ये तो सब्जियों का है, दे सकते हैं। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। चलिए गाइस मैं पहले पूजा कर लेता थोड़ी, उसके बाद बाकी वार्तालाप करेंगे जितना करना है आगे। तो गाइस मैंने पूजा कर लिया, अब ये देखो सामने जोत जला दी, और आपको एक कलाकारी दिखाता हूँ। ये सारी पेंटिंग मैंने की है, जब वो अगरबत्ती जलाता हूँ मैं धूपबत्ती, तो इससे नीचे ऐसे सारी ये पेंटिंग मेरी की हुई है। ये मेरा ऊपर तक होगी अभी पेंटिंग पूरी। तो अब देखते हैं मधु ने क्या किया अभी तक, मतलब मेरे को लगा कहीं उसने बना भी ना दिया हो। देखो मैंने कहा था ना, इसने कद्दूकस कर लिया, इसको पत्ता गोभी को भी कद्दूकस कर लिया। कैसे बोलती है? क्या बोलती है? मैं सोच रहा हूँ आज मंचूरियन मैं बनाऊँ, पर फिर ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी फिर। तू ही बनाया, इसलिए तू ही बना फिर लोग पागल। वाह ये देखो एक चीज़ और। तो मधु ने काफ़ी कुछ यहाँ पे कर दिया है, शिमला मिर्च भी कट गई, ये भी कद्दूकस हो गया पता, गाजर भी। गाजर तो क्या मेरे सच में बाल झड़ गए क्या सारे? हाँ। ये हाँ कह रही है, मैंने कटवाए इसलिए कम लग रहे हैं, वैसे झड़े नहीं है, कम हो गए, पहले भी कम ही थे वैसे मेरे बाल। बीच में टकली होती तू। अरे सच में हो रहे ये, अब ये गाजर कद्दूकस करने लगी मधु। हाँ। गलती ना कर ले उंगली, कद्दूकस ना कर दियो। तो गाइस मैं चाय पीनी भूल गया, अभी मैंने गर्म करने रखी है चाय, थोड़ा दूध और पाया मधु कहती क्योंकि काली हो जाएगी वरना। तब तक मधु का कद्दूकस कार्यक्रम चल ही रहा है, तब तक मेरी चाय भी हो जाएगी। पता है मैं भूल कैसे गया, मैं भूल भी बहुत जाता हूँ यार, एक तो बाल झड़ गया भूल जाता हूँ, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही है हमारे घर में। तुझे नहीं कह रहा, तुझे नहीं कह रहा मतलब वैसे हो गई, ये बता रहा हूँ। गर्म चाय, वाओ कद्दूकस हो गया, अभी भी कद्दूकस होगा? नहीं ये तो उसके लिए, ये अलग से ना ग्रेवी टाइप के लिए, बस कद्दू का सही होएगा। ठीक है तो गाइस हमें एक साल हो गया, और देखिए अभी पापा अभी भी ऐसे लेटे हुए हैं। एक साल हो गया एक ब्लॉग को भी बनाते हुए, पापा अभी भी लेटे हुए हैं, और मधु के भी गाजर गुजर सब कट गए। पर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको भी, डेढ़ साल भाई पापा ऐसे लेटे हैं। अरे ये सब कट गया, अरे ये सब कट गया, मैं कहाँ था, ये बहुत जल्दी जल्दी कहती है काम, उसके बाद फिर हमारे ब्लॉग ऐसे बनते हैं, क्योंकि ये फटाफट काट देती है सब कुछ ना, ऐसे ही फुद्दू भी काट रहा है इसने मेरा। क्या
क्या बुद्धू तुमने तो काटा असली ये मैं बोलते बोलते सिनेमैटिक शॉट क्यों ले रहा हूँ ये इतने रखा तो ऐसे ना जैसे संजीव कपूर नहीं रखता खाने के लिए जैसे कोई वो किचन चैनल वाले ना तो वैसे रखता रखा वैसे बस ये थाली ने थोड़ी वो शो बिगाड़ रखी है बाकी लग तो वैसे ही है ना। 30 साल बाद पापा उठ के बोले क्या चाहिए तुझे इतना ही टाइम से चुप बैठे हुए थे अब बोलो ये क्या चाहिए तुझे पहले फिर ये बात कैमरे तक आएगी ना उतने मुझे आगे आना पड़ता बहुत वो माइक चाहिए जो मर्जी कर ले तू तो बड़ा बोलती है कि तू स्कूल में है वो कहती थी स्कूल में स्टेज में चढ़ के उनकी तो आवाज ही अलग होती है तो माइक में बोलती हमको देख ले गालियां देते थे एक दूसरे को तब भी देख आवाज देख कितनी तेज है। कल मेरे को मेरा दोस्त आके बोलता है कि तू इधर ब्लॉग तब चलेगा तू ना घर में बिरयानी बना और मुझे बुला खाने पे तब ब्लॉग चलेगा अब बुला लेना भैया बनाओ फिर आप। तो ये मधु ने ये सारा मिक्स कर लिया पर मिक्स क्या कहते हैं अच्छा पत्ता गोभी गाजर और ये मिर्च है नहीं अच्छा ओ सॉरी मैं एक्चुअली किचन का चैनल नहीं है ना मेरा तो मुझे पता नहीं चलता है थोड़ा ढंग से बोला गया ऐसे लग रहा है तेरे दर्द हो रहा होगा पता कैसे बोलती है ये मंचूरी में प्याज के पत्ते अब दर्द मारा थे किसी ने मुझे बता किसी ने मारा था 500 साल बाद पृथ्वी का अंत और पापा उठ गए क्या चाहिए क्या बात है रे क्या बात है रे क्या बात है बिना पिए ऐसे जा रहे हो हाँ भाई तुमको कितना टाइम लगेगा मंचूरियन खिलाने में अभी अभी शायद से ना आज हम रात को रील्स भी बनाएंगे दोनों जैसे पहले बनाई थी तू फट क्या दारू की बोतल तू फट जो भी थी वो मेरे को याद नहीं आता हाँ अब कोई नई रील बनाएगा आज क्या तेल नहीं गर्म हुआ इतनी देर से हाँ क्या चक्कर है इसका अरे वो कम ही करा रिफाइंड जल्दी गर्म हो जाता है ना अरे बना के रहे हो तुम आज देख लो सारी रामायण खत्म होगी और पापा कह रहे सीता का बाप कौन था आपको नहीं पता क्या बन रहा है मुझे क्या पता क्या बन रहा है कैसी बातें कहते पापा पूरा पूरा सब कुछ पापा ने देख लिया कह रहे क्या बना रहे हो चार मिनट रह गए वही बात है हम मंचूरियन स्प्रिंग रोल लेके आते हैं पापा देख लेते हैं क्या लेके आए फिर बोलते हैं दिखाइए तो क्या खा रहा है तू है ना चखाइए तो क्या है अरे ये देखिए ये बेचारी मम्मी कैसे काम करती है थाली लटका के मम्मी ने बोला मेरे खज्जी होएगी तो क्या करना है डॉक्टर कहता खुजवा लो लड़के से कुछ मम्मी कहती अगर मेरे को खज्जी हो रही है मैं क्या करता हूँ खुजवा लो ये क्या था ना किसी से खुजवा लो अरे बुलेट कहाँ चल रहा है ये इसकी आवाज कैसे आ रही है बुलेट ज्यादा होता है गाइस ये देखिए बादाम आपने देखे नहीं होंगे ये मैंने बादाम किसी ने देखा नहीं मैंने एक वीडियो देखी थी कहती गाइस ये देखिए पनीर बना रहे हैं आप लोगों ने देखा नहीं होगा कट्टर फैन ऑफ द वर्ल्ड वो देखो हाईलाइट देख रहे हैं वही पाकिस्तान के मैच के न्यूजीलैंड के अब ये क्या बात है दिन में मैच नहीं देखा हाईलाइट देख लूंगा हाँ आपको पता पाकिस्तान जीतगी तब भी फिर दिन में देखा अब देख लेता हूँ ये मधु ने देखिए सारे बना दिए कितने बने 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ज़्यादा बन जाएंगे मधु इसका मतलब हम सारे चाय चल खाएंगे पानी दे दे कोई पानी पानी चिल्ला रहा है कौन चिल्ला रहा है गाइस ये पानी पानी ओ मम्मी चिल्ला रही है हमारा मंचूरियन का सपना ही रह गया है गाइस क्योंकि सिलेंडर भी ख़त्म हो गया इसने मुझे सिलेंडर हिलाने को बुलाया कहती ऐसे से कहती मुझे कहती ऐसे से हिला दो खत्म हो तू नया निकाल के ले हवा निकल गई है सिलेंडर उठाते सांस चढ़ गई इससे पहले था मैं कमजोर हो गया वो मधु ने सिलेंडर लेटाया सिलेंडर चल गया ये तो लेटेस्ट न्यूज है अब मधु इसको ऐसे सिलेंडर को हिलाया तब भी चलता है मैं बचपन में हिलाता था मम्मी रोटी बनाती थी हाँ अब सच में मैं बैठ के ऐसे हिलाता था उसको मम्मी रोटी बनाती थी बता मैं हिलाता था बैठ के हिलाता था उसमें गैस बची रहती ना था तो मेरे पे किसी को विश्वास ही नहीं है ना मैं इतना धोखेबाज बंदा भी नहीं यार ये भगवान ये मंचूरियन बनवा दे बस बाकी सब देख लेंगे हम कल आज
पापा आए अपनी बुआजी को सिखाने सिलेंडर कैसे लगाते हैं। तो इतिहास में पहली बार चल रहा भी? हाँ चल रहा, थोड़ा चल रहा है। बंद करना उसको। इतिहास में पहली बार वो मैं पैसे पापा का लाल मेहंदी लाया, काली लाया था, वो गलती से लाल निकल गई। इसको पहले ऑफ करना ठीक है? ये तो पता है हमें, इधर से दबाना है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक हो गया। इसको यहाँ से निकालना, ये रख के सिलेंडर। एक एक्सक्यूज मी, हमको बेसिक डिप्लोमा नहीं करना, हमको सीधा डिग्री करनी है। सीधा बताओ लगेगा कैसे? बेसिक डिप्लोमा सिखा रहे, कहते इसको दबाओ निकालो लगा दो। ये देखो इसमें दबाना, ये देखो तुमने डिग्री की है। फिर दोबारा इसी को दबाना ठीक है, इसको फिट करना है। अरे ये ढक्कन रखना पड़ेगा, वरना ढक्कन के 50 रुपए ले लेते हो ठीक है। हाँ हाँ इसको छोड़ देना, इसके बाद इसको ऑन करना है। कुछ समझ नहीं आया उसको, कुछ समझ नहीं आया उसको। खाली सिलेंडर अंदर रखना भी मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मेरे पास का ये भी नहीं है। अब इसको खाली को चकना पड़ेगा। वैसे ये खाली है, गाते ही चक लेंगे, है ना मम्मी? इतने ताकत तो है मेरे में। चलो गैस का तो अपना हो गया, अब मतलब अपने मंचूरियन बन जाएंगे ना, फाइनली हम खा सकते हैं इसका मतलब। अब पहले थोड़ा मुश्किल हो गया था कि खा पाते कि नहीं खा पाते, पर अब खा लेंगे। है मेरे को सांस भी चढ़ गई बोलते बोलते, ऐसे कर उससे क्या होगा? पर कोई ज़्यादा में ये सिखाते हैं, ऐसे करो सांस ले जाएगी, ऐसे करो सांस चले जाएगी, ऐसे करो सांस आ जाएगी, ऐसे करो सांस चले जाएगी। फिर फ्राई हो चुके हैं, तब हम इन्हें निकाल देते धीरे धीरे। तो गाइज मैं तो लक्ष्मी देखने में बिजी हूँ, लक्ष्मी भाग गया और ये डांस करने में बिजी है। अब ये ग्रेवी बनाएगी, मेरा ध्यान लक्ष्मी में है। जल्दी कर, मतलब यार यहाँ अपना एपिसोड निकल जाएगा। और पहले से सारा डाल दे एक ही बार में, इतना टाइम नहीं, यहाँ तक कोई स्टार्ट हो रखा है। यहाँ पे लक्ष्मी भाग के चल रहा है मेरा, यार क्या कर रही है तू यार? प्याज डालेंगे इसमें, तेल तो गर्म ही था पहले से। चलो 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 जल्दी 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 मधु जल्दी फास्ट मधु 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 जल्दी जल्दी। और यहाँ मेरा लक्ष्मी भाग के चल रहा है अभी। चलो अब जब बन जाएगा तब। तो गाइस बन चुके हैं हमारे मंचूरियन, ये देखिए चूरन दी पे मंचूरियन। और पापा कह रहे हैं इनको गुलाब जामुन, गुलाब जामुन है पा, हाँ चीनी पालोगे वैसी हो जाएंगे। और पापा ये गाने देख रहे हैं पुराने टाइप के जुदाई वाले, जो कि मुझसे सहन नहीं होते बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को ऐसा जो प्यार करने वाले अलग होते मेरे को बिल्कुल सहन नहीं होते। क्योंकि जब जो प्यार करने वाले अलग होते हैं मेरे को, मुझे मैं फीलिंग समझता हूँ वो अंदर जो होते हैं उनके, मेरे को वो फीलिंग पता है। फीलिंग नहीं फीलिंग, मुझे वो पता है। ये हम ये लाना भूल गए ना। अच्छा ये ओहो, शाम को घूमते ना। तुम अपना थैला ध्यान, मार्केट में थैला ध्यान से लेके घुमा कर, कभी किसी ने उंगली पाके खींच देना। पता क्या कह रहा था, पिन लगा देगी तो यहाँ पर कि थैला कहना जाएगा। हां पिन लगा के खींच। तो गाइस खाना हो गया अब हमारा, ये देखिए ये तो अभी उठ रही है खाना खा के। तो बस अब हम बनाएंगे एक रील बनाते हैं उसके व्लॉग का एंड करेंगे, क्योंकि देखो टाइम भी ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद ना मुझे पता रील बनाते ना हमको 11-12 बजेगी, क्योंकि इसको पहले रील नहीं मिलती, इसी शक्ल देखो इसको रील भी नहीं मिलने वाली जल्दी। ढूंढो ना, मुझे क्या रील, मेरे उसमें देखो पता कैसी रील्स आती है, मेरे उसमें देखो ओनली गर्ल्स। फोन में आईडी खुली हुई है मेरी, तो आप देख सकते हो ना। ये सोचने समझने का काम मैंने सारा तेरे ऊपर सौंप दिया, चैनल भी तेरे को दे रखा ना, तू कहती ना उसमें सब कुछ। मैं तो खाली ऐसे ब्लॉग में अपलोड करता हूँ, बाकी सब ये संभालती है, बिजनेस करती है बड़ा तगड़ा। तो गाइज अभी बज रहे हैं 11 बजे, देखो यहाँ रील्स बन रही है आज आप नीचे ये देखो ऊपर तैयार रखे नीचे पजामे में, ये भी टैलेंट किसी किसी में होते हैं। चलो कोई नहीं, रील्स बनती रहेगी। तो गाइज अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।